नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान अभिनेता सोनू सूद ने कई प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद की थी। उनके द्वारा मदद का सिलसिला आज भी लगातार जारी है, लेकिन अब कोरोना महामारी की स्थिति और भयावह हो चुकी है और सोनू सूद अपनी तरफ से लोगों की पूरी मदद करने की भी कोशिश कर रहे हैं। किसी को हॉस्पिटल में बेड तो किसी के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था में जुटे हुए हैं। सोनू लोगों की जान बचाने की हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं, पर कभी कभी उनकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। सोनू ने ट्वीट कर ऐसी ही एक दिल तोड़ देने वाली एक घटना का जिक्र किया। सोनू ने लिखा, पिछली रात ही मैंने उसके लिए गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम किया था, जिसमें लिखा था कि मुझे अभी पता चला कि डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। हमने अपनी पूरी कोशिश की, पर जिंदगी कभी कभी दगा दे जाती है। मेरा दिल रोता है जब मैंने लोगों को मदद की नहीं कर पाता, पर आज एक नई शुरुआत है। बहुत सी जिंदगियां हैं जिन्हें बचाना है। आपको बता दें कि सोनू सूद भी कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव हुए थे, पर ऐसी हालत में उन्होंने लोगों की मदद करना बंद नहीं किया। दरअसल सोनू सूद ने हाल ही में एक नई पहल की शुरुआत की थी, जिसमें वे लोगों को कोरोना से जुड़ी हर मदद को फ्री में पहुँचाएंगे। सोनू ने इस कैंपेन का नाम फ्री कोविड हेल्प का नाम रखा, जिसके बाद सोनू सूद के पास देश के कोने कोने से मैसेज आ रहे हैं और वो अपनी सेवा पहुँचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।